हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोन फाउंडेशन। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर जा रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। तो अब इसकी कंटिन्यूटी हम करते हैं आगे। सेकेंड लेक्चर में जो है हमने क्या किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था मेंडल का। उसके बाद फिर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम शिफ्ट हुए थे डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। तो फर्स्ट जो सब लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा दैट इज डोमिनेंट, और जो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। अब उसके बाद हम कर रहे हैं अपना सेकेंड लॉ की तरफ चलेंगे। सेकेंड लॉ हम एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले हम चलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की तरफ। सो सेकेंड लेक्चर में हमने जो है F1 जेनरेशन का, ये F1 जेनरेशन का था। F1 जेनरेशन के हमने गैमीट्स बना के उसके बाद हमने क्रॉस कर लिया था F1 जेनरेशन के बाद। और F1 जेनरेशन में हमें जो प्लांट्स आए थे, बैट्सन एंड पुनेट स्क्वायर है ये, तो जो हमें प्लांट्स आए थे दे वर ऑल राउंड सीड्स एंड येलो सीड्स, मतलब दे ऑल प्लांट्स वर विद राउंड एंड येलो सीड्स। अब उसके बाद हम चलते हैं F2 जेनरेशन की तरफ, मतलब सेकेंड फिलियल जेनरेशन। तो सेकेंड फिलियल जेनरेशन के लिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था कि जो F1 जेनरेशन के इंडिविजुअल्स आए हैं जो कि हेट्रोजाइगोट्स हैं, ये इसमें देखिए एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या है, हेट्रोजाइगोट्स हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलील्स हैं इसके पास, सो दिस इज अ हेट्रोजाइगोट। अब उन्हीं हेट्रोजाइगोट्स को हमने क्रॉस कराया था, सो इस बार भी हम यही कर रहे हैं। F2 जेनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस कराएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे गैमीट्स बनाएंगे। सो हियर वी हैव, हमारे पास जो जनरेशन आई है वो आई है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये जनरेशन आई है हमारे पास, दोनों के दोनों प्लांट्स जो है वही हैं, मतलब जो गेमीट्स हमारे पास बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, हमारे दोनों के दोनों ही सेम टाइप ऑफ गेमीट्स बनाएंगे दोनों प्लांट्स। अब इसमें गेमीट्स हम बना लेते हैं, सबसे पहले कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई आ जाएगा, एक बार कैपिटल आर के साथ आ जाएगा स्मॉल वाई, एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बने हैं ये अलील्स, किस तरह से ये अलील्स जो है सेपरेट हुए हैं। तो ये चार टाइप के ही गेमीट्स बन पाएंगे इस एक प्लांट से। उसी तरह से जो दूसरा प्लांट है उससे भी यही चार गेमीट्स बनेंगे। तो एक काम करते हैं, इनको एज इट इज हम बेट्सन एंड पुनेट स्क्वायर में अरेंज कर लेते हैं। सो दिस इज बेट्सन एंड पुनेट स्क्वायर, में यही ड्रॉ कर रही हूँ साथ में। दूसरे वाले के अलील्स जो है वो हम ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे यहाँ पे। इस आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारा पुनेट स्क्वायर बन चुका है, और अब हम इसमें जो एलील्स का कॉम्बिनेशन है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर सीइंग, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, सो ऑल द एलील्स हियर आर डोमिनेंट। तो ये जल्दी से सारे कॉम्बिनेशंस को हम पूरा कर लेते हैं। तो दीज आर द रिजल्टेंट्स ऑफ F2 जेनरेशन।
F2 जनरेशन के हमारे क्रॉस के ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब हम इनको एनालाइज करेंगे कि कौन सा प्लांट क्या आया है। तो ये कलर्स के साथ मैं डिनोट करती चली जाऊंगी कलर और शेप में। एज वी नो कि जो कैपिटल R है, R इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड एंड स्मॉल R इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंकल्ड। और अब इसमें से भी डोमिनेंट जो है दैट इज राउंड एंड द रिसेसिव वन इज रिंकल्ड। उसी तरह से अगर हम कलर को कंसिडर करते हैं, कलर्स में हमारे पास दो कलर्स हैं, येलो एंड ग्रीन। येलो और ग्रीन में से हमारे पास जो डोमिनेंट है, या कैपिटल वाई जो है उसका मतलब है येलो और स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन। सो अब यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील है वो कौन सा है? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, मतलब येलो कलर जो है दैट इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है राउंड एंड येलो। सो द सीड हियर इज राउंड एंड येलो, गोल और पीली सीड है। सो दिस, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है राउंड एंड येलो, शेप से ही समझ में आ रहा होगा। सेम यही कॉम्बिनेशन हम और जगह पे ढूंढते हैं। राउंड, तो सीड का तो हो गया राउंड। फिर देखते हैं सीड कलर पे आते हैं, येलो एंड ग्रीन। डोमिनेंट कंडीशन इसमें कौन सी आएगी? येलो, बिकॉज येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। तो बेशक यहाँ पे हमारे पास ग्रीन एलील प्रेजेंट है, बट इन हेटेरोजाइगोट में कौन सा एक्सप्रेस करेगा? जो डोमिनेंट है। सो हियर येलो विल रिप्रेजेंट इटसेल्फ, येलो विल कम आउट। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। सेकंड कंडीशन सेम, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है। तो सीड हमारी कैसी आ गई है? येलो एंड राउंड। उधर से फिर सेम, राउंड और रिंकल्ड दोनों एलील्स प्रेजेंट है, तो सीड विल बी राउंड। कलर्स की अगर हम बात करें, येलो और ग्रीन दोनों के एलील्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, सो द सीड अगेन विल बी राउंड एंड येलो। नेक्स्ट फिर हम आ रहे हैं सेम कंडीशन, कलर्स वाली जो यहाँ पे आई थी हियर, तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे आ रही है। देन अगेन यहाँ पे राउंड एंड येलो आ रहा है, एक राउंड येलो यहाँ पे आ गया, राउंड एंड येलो एक यहाँ आ रहा है, और कहीं राउंड येलो आ रहा है, यस हियर एक राउंड येलो यहाँ पे आ गया। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इस वाले स्क्वायर पे आ जाते हैं अपने। यहाँ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो राउंड तो हमारे पास है, बट यहाँ पे येलो जो डोमिनेंट अलील है वो एब्सेंट है, और इसकी एब्सेंस में जब हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, तो ऐसे में जो रिसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा एंड द सीड विल बी ग्रीन इन कलर। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है कि राउंड सीड है बट कलर कौन सा आ गया है? ग्रीन। सो द सीड विल बी राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं अगेन हियर, कलर की बात करें होमोजाइगस रिसेसिव आ रहा है, सो कलर विल बी ग्रीन। और शेप की अगर हम बात करें तो शेप विल बी राउंड, सो इट विल बी राउंड एंड ग्रीन। उसी तरह अब थोड़ा और आ जाते हैं, यहाँ नीचे आते हैं, यहाँ पे है ये सेम कंडीशन, राउंड एंड ग्रीन। चलिए उसके बाद अब हमारे पास आती है नेक्स्ट, यहाँ इस स्क्वायर पे आ जाते हैं। यहाँ स्क्वायर में आपको जो दिख रहा है वो है शेप के लिए अगर हम बात करें, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। स्मॉल आर रिप्रेजेंट सीड इज रिंकल्ड, और यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है रिसेसिव अलील की। इसका मतलब अब इस बार यहाँ पे सीड जो है वो राउंड नहीं होगी। कैसी आएगी सीड? आएगी रिंकल्ड। और कलर की हम बात करें, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, एक कैपिटल वाई है तो भी येलो होगा, दो कैपिटल वाई है तो ऑब्वियसली इट विल बी येलो। तो सीड यहाँ पर हमारे पास आ रही है रिंकल्ड एंड येलो। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, सो शेप की अगर हम बात करें, स्मॉल आर है, दोनों रिसेसिव अलील है, वो अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस करेगा, सो इट विल बी रिंकल्ड। और अगर हम बात करते हैं कलर की, देन इट इज येलो, बिकॉज देयर इज वन डोमिनेंट अलील, तो यहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यहीं पे तो हम अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज ऑल्सो रिंकल्ड एंड येलो। यही कंडीशन आ रही है यहाँ पे, स्मॉल आर, स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई मीन्स येलो। तो ये हमारे पास आ गई नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर अब हमारे पास आ रहा है लास्ट केस, एंड दिस इज रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई इज ग्रीन। सो हियर द सीड इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो लास्ट केस में हमारे पास जो सीड आ रही है दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। अगर हम अब अपने रिजल्ट्स की बात करें कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं, रिजल्ट्स में हम देखें तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है
कितने सारे येलो और राउंड आए हैं? नाइन, नाइन आर येलो राउंड. सो हियर मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ नाइन आ गया हमारे पास येलो राउंड का. नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ ये चीजें. अगर हम बात करें पिछले वाले से, हमारे पास आ रही है येलो राउंड सीड्स हैं. चार टाइप की हमारे पास सीड आई हैं, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड नहीं, हाँ ग्रीन राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड. ये चार टाइप की हमारे पास सीड्स आई हैं. और नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड से ही हम इसको काउंट कर लेते हैं. तो आपको पहले वाली स्लाइड में अगर देख रहे हैं तो हम काउंट करते हैं येलो एंड राउंड. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन. तो इनका नंबर जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, येलो एंड राउंड का नंबर आया है हमारे पास नाइन. उसी तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हमने हमारे पास कौन सी थी, राउंड एंड ग्रीन देख लेते हैं. राउंड और ग्रीन की अगर हम बात करें तो राउंड और ग्रीन हमारे पास आ रहा है वन एंड राउंड ग्रीन टू एंड राउंड ग्रीन थ्री. इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहे. सो वी हैव राउंड और ग्रीन जो है हमारे पास, ये हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये आए हैं हमारे पास थ्री. नेक्स्ट पे चलते हैं. हम देख रहे हैं इस बार राउंड रिंकल्ड येलो देखते हैं. रिंकल्ड येलो में वन टू और थ्री. तो चलिए रिंकल्ड और येलो आया है, ये रहा हमारे पास, ये है थ्री. उसके बाद फिर से वापस चल रहे हैं, जो हमारे पास एक बच गया दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो हमारे पास आया है जस्ट वन. तो वापस इसको लिख लेते हैं वन. तो हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है दैट इज नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन. तो इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आएगा, सो योर आंसर विल बी नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन. ठीक है, ये समझ में आया यहाँ पे कि ये किस तरह से हो रहा है. चलिए अब आगे बात कर लेते हैं. और ये तो हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस. उसके बाद अब डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखते हुए मेंडल ने दिया था सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ ऑफ जेनेटिक्स जो दिया गया था दैट वॉज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब यही डिस्कस करेंगे हम उसने कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे दिया. लॉ ऑफ डोमिनेंस तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझ आ गया था. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आता है जब हम सेकेंड वाले को काउंट करते हैं, सेकेंड वाले को देखते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कि जो पहले वाला केस था उसमें क्या देखा था हमने, पहले वाला जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया था तो उसमें हमने क्या बनाया था, देखिए कैपिटल आर प्लांट जो हमने लिया था, पेरेंट प्लांट बता रही हूँ मैं, पेरेंट क्रॉस एफ वन जनरेशन आने से पहले, जिन पेरेंट से एफ वन जनरेशन आई है वो पेरेंट जनरेशन, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वार आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, मतलब होमोजाइगस प्लांट वॉज क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट. और हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे थे देवर ऑल कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. ठीक है, ये हो गया. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे तो चलो हमें समझ में नहीं आया, फिनोटाइप देख के हमें नहीं पता चल रहा कि प्लांट के पास कौन से जीन्स गए कौन से नहीं गए. लेकिन जब हम आए हैं अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें कि ये भी पेरेंटल है और ये वाला भी पेरेंटल है, दो तो हमारे पास पेरेंटल आ गए कि एक पेरेंटल हो गया, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ, दूसरा वाला है ये वाला पेरेंटल. ठीक है, उसके बाद टॉल वालों को हम इग्नोर कर देते हैं कि हमें नहीं पता, चलो टॉल वालों का हमें नहीं पता वो पेरेंटल है या नहीं है. लेकिन जब हमारे सॉरी टॉल नहीं, यहाँ राउंड एंड येलो की बात हो रही है, कि जो पेरेंटल से अलग जो राउंड येलो आए हैं उनका चलो हम छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता चल रहा उनका भी. तो राउंड येलो को अगर हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, राउंड येलो को मैं इग्नोर कर रही हूँ,
इन सबको तो इग्नोर कर दिया, लेकिन अब आप एक चीज बताएंगे कि पेरेंटल फिनोटाइप से अलग फिनोटाइप हमारे पास आया है, ये फिनोटाइप हमारे पास अलग अलग कैसे आया है, इसका मतलब क्या हुआ है? क्या राउंड शेप ग्रीन से अफेक्टेड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एस पेरेंट्स में क्या था कि जब राउंड हो, पेरेंट वाला हमने क्या देखा था, रिंकल्ड और ग्रीन साथ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, राउंड और येलो आया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो राउंड और येलो का जो कॉम्बिनेशन है, सीड शेप का और सीड कलर का, तो सीड शेप की और सीड कलर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि सीड शेप एंड सीड कलर, इन दो एस्पेक्ट्स में जब हमने बात की है, इन दो फील्ड्स पे हम बात करते हैं, तो हमने क्या देखा है, जो पैटर्न आया है वो ये है कि जो सीड का कलर है वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता सीड की शेप पे। इसका मतलब क्या है कि उनके जो गैमीट्स बने हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हुए हैं वो, ठीक है। यही तो होता है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब ही होता है अलग होना, अलगाव या फिर अलग होना, ठीक है, सेग्रीगेट होना, अलग होना। अब समझ में आया ये कि सेग्रीगेशन क्या होता है। अब अपनी लैंग्वेज में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में नहीं करेंगे, आपको अपने यहाँ से जो समझ में आया है उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ी है डाईहाइब्रिड क्रॉस, सो यही लिखते हैं, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस इन डाईहाइब्रिड क्रॉस व्हेन alleles of two different traits separate from each other other during gamete formation क्या हो रहा है कि सेपरेशन हो रही है अलील्स की, दो अलग अलग ट्रेट्स के अलील्स की सेपरेशन हो रही है डाईहाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे, कब, जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है without depending upon each other, without depending upon each other, this is called as law of segregation. यही क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, क्योंकि मेंडल को ये चीज कैसे पता चली कि ये लॉ ऑफ कि ये सेग्रीगेट हुए हैं। मेंडल के पास क्या प्रूफ था इस सेग्रीगेशन का, मेंडल के पास प्रूफ ये था कि पेरेंटल जीनोटाइप से या पेरेंटल फिनोटाइप से जब अलग हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, इसका मतलब क्या है कि अलग होकर फिर वो जुड़े हैं, ठीक है, तो अलग हुए हैं, तो उसने यहाँ से दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे ये समझ में आए हो, तो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही कंटिन्यू करते हैं, इसी लॉ में से आगे आके निकल के आएगा हमारा तीसरा लॉ, दैट वॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन उससे पहले हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन खत्म करते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्या ये लॉ यूनिवर्सल है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का हमने पढ़ लिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का केस जब आ जाता है तो वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाता है, तो यो एक्सेप्शन हो जाता है, तो इसका वहां पे हमने क्या बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है जो वो यूनिवर्सल नहीं है। अब यही बात कर रहे थे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं है।
तो वो क्या रहेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, वो भी एप्लीकेबल नहीं है. अब वो एप्लीकेबल क्यों नहीं है, इसके हमारे पास दो रीजन्स हो सकते हैं. पहला क्या है, वो कब होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो, तब होगा जब जीन्स जो हैं या तो वो एक दूसरे से दूर दूर हैं या फिर वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं. अगर वो क्रोमोसोम्स बाय चांस बहुत ज़्यादा पास पास प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम्स है, ये जीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा पास पास प्रेजेंट हैं, तो जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होगी, मियोसिस पढ़ चुके होंगे, तो जब क्रॉसिंग होती है तो चाज्मा फॉर्मेशन होता है और फिर वो अलग हो जाते हैं अलील्स. तो ऐसे में क्या हुआ है, सपोज करते हैं प्लांट की ही बात, मेज की बात नहीं, पी की बात नहीं कर रहे, हम कोई पी की ही बात कर लेते. इन केस ऐसा हुआ होता कि जो ये जीन्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे या अलील्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे अवेलेबल ना हो के एक ही क्रोमोसोम पे मिल जाते हमें, तो ऐसे में क्या होता कि येलो कलर का जो अलील है वो जो है राउंड सीड के साथ ही जाएगा चाहे कुछ हो जाए. इसका मतलब क्या है, इसका जो काउंटर पार्ट है मतलब स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये भी एक साथ ही जाएंगे. तो चाहे जितना मर्जी हम जोर लगा लें, चाहे जितना मर्जी चाहे कुछ हो जाए, जब ये अलील्स दोनों एक साथ जा रहे हैं तो ये अलग होंगे ही नहीं. तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फेल हो जाता है. ये केसेस इसका इसका जो एग्जांपल हम क्या कहेंगे, लिंकेज का, इसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज, कि जब कोई एक अलील दूसरे अलील के साथ हर जनरेशन में साथ जाता रहता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, कि भाई एक अलील है और वो जाएगा ही जाएगा उसके साथ, तो वो होता है लिंकेज, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पा रही, मिक्सिंग नहीं हो पा रही. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो क्या होगा, जब इनका क्रॉस होगा तो वाई के साथ आर जाएगा ही नहीं, यहाँ पे क्रॉस नहीं हो पाएगा ना, एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे इस तरह से. तो जब ये एक्सचेंज नहीं होंगे तो वाई के साथ हमेशा कैपिटल आर जाएगा, स्मॉल वाई के साथ हमेशा स्मॉल आर जाएगा. तो वो रूल सा बन जाएगा कि डोमिनेंट वाला इन केस गलती से चला गया तो उसके साथ दूसरा वाला डोमिनेंट जाएगा ही जाएगा और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है लिंकेज के केस में फेल हो जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल. तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से आगे चलते, जो हमने हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ ली थी, वापस आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे. ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, बहुत ज्यादा होच पोच हो गई, थोड़ा साफ कर लेते हैं बोर्ड. ठीक है, हो गया हमारे पास वापस से क्लीन अप. तो ये जो हमारे पास क्रॉस आया था, हमारे पास डाई हाइब्रिड रेशियो जो आ गया था 9:3:3:1, अब इसके बाद दिया गया था सेग्रीगेशन के बाद जो थर्ड लॉ था, दैट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल का वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ पढ़ने से पहले चलो असॉर्टमेंट का मतलब पढ़ लेते. असॉर्टमेंट क्या होता है, टू कम टुगेदर, टू ज्वाइन. ठीक है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है टू कम टुगेदर या फिर ज्वाइन. या फिर क्या हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है. तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा लॉ जिसमें ज्वाइन हो रहा है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पे डिपेंड हुए, जब दो चीजें कंबाइन कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब हमारा जो वापस से चलते हैं क्रॉस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, आर और वाई जो है ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे थे, सेग्रीगेशन हमें समझ में आ गया था. अब उसके बाद हमारे पास जो ये अलग पेरेंटल टाइप आए हुए हैं, जो हमारे पास ये आया हुआ है रिकॉम्बिनेशन, जो हमारे पास आई है ये एक और दो तीन चार पाँच और छः, ये छः जो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन आई हुई हैं, पेरेंट्स का मिला जुला जो रूप आया हुआ है हमारे पास फिजियोलॉजी में, यानी कि देखने में जो हमारे पास आया हुआ है, ये आया किस तरह से है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो पेरेंटल में, स्टार्टिंग पेरेंटल में हमारे पास क्या था,
या तो हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास आर आर वाई वाई था, और एक था आर आर स्मॉल वाई, और दूसरे केस में हमारे पास जो पेरेंट बन के आया था वो हमारे पास क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये तीन पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, सॉरी जीनोटाइप, तीन पेरेंटल जीनोटाइप हैं। इनसे अलग जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं वो किस तरह से आए हैं, पहले गैमीट्स बने थे सबके अलग अलग, और यहाँ पे जो गैमीट्स कंबाइन हुए कैपिटल आर और ये वाला वाई और स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो ये जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई पे डिपेंडेंट नहीं है, और कैपिटल वाई स्मॉल आर पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाकी केसेस में ये चेंज हुए हैं। मतलब ये बिना एक दूसरे पे डिपेंड हुए, बिना एक दूसरे की परवाह किए हुए, जब ये जीन्स आपस में एक साथ आए हैं, जब ये अलील्स आपस में एक साथ आए हैं, तो उन्होंने एक नया इंडिविजुअल बना दिया है विद न्यू डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स, और इस चीज को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसी को हम आगे डिफाइन कर लेते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है। डिफाइन किस तरह से करेंगे, अपने डायहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से ही करेंगे। इन डायहाइब्रिड क्रॉस, हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में देखा है, तो जहां जहां से हमने जो जो चीज समझी है बस उसको हम अपने वर्ड्स में लिखते जाएंगे, और आपका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। आप बोर्ड में जो लिखेंगे आपका आंसर करेक्ट होगा व्हेन यू आर गिविंग द एविडेंस। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे किस तरह से बोर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड। सो क्या है इन डायहाइब्रिड क्रॉस, डिफरेंट एलील्स कम टूगेदर, ज्वाइन हो गए, कम टूगेदर आफ्टर सेग्रीगेशन, कि सेग्रीगेट होने के बाद ये दोबारा से एक दूसरे के पास आए हैं, सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बिना एक दूसरे पे डिपेंड हुए, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, विच रिजल्टेड इन, जिसका क्या रिजल्ट आया था, विच रिजल्टेड इन ऑर्गेनिजम्स, कैसे ऑर्गेनिजम्स आए थे, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से अलग आए हैं, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड लॉ, इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये होता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं, देखो हमारा पहला टॉपिक ऑलमोस्ट जो है ये मेंडल के जो लॉज थे तीनों वो हमने कवर कर लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने कवर कर लिया, डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने पूरे कवर कर लिए, और इसके रेशो के बारे में हमने बात कर ली। अब बारी आती है कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, कि आपको क्वेश्चंस किस तरह से दिए जा सकते हैं। जस्ट एक फॉर्मेट देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। पहला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है, सीधे ये पूछ लें विच लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो जो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, बाकी जो दो लॉ बच जाते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो यहाँ से आपके दो या तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला पूछ लेंगे कौन सा एप्लीकेबल है, पूछ लें कि ये वाला लॉ जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ही आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यू एक बन गया यहाँ से, एक एमसीक्यू आपका बन सकता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज 3:1, मोनोहाइब्रिड रेशियो रहेगी आपकी 3:1। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन आ जाए, अगर उसके बाद क्वेश्चन वो बाद में डिस्कस करते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते पहले कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का ही रेशियो पूछ लें आपसे, दैट इज 9:3:1, ये हो गया। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे क्या
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तो हो गया कि एमसीक्यू आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर स्टडी किए थे, सेवन कैरेक्टर स्टडी किए थे, उसमें से आपसे एमसीक्यू बनाया जा सकता है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है उन सेवन कैरेक्टर्स में, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कौन सा रिसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके। उसके अलावा फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करिए गिविंग प्रॉपर एविडेंस, तो वो उसका आंसर आप किस तरह से करेंगे, पहले आप डिफाइन करेंगे लॉ को क्या करेंगे डिफाइन करने के बाद आप बनाएंगे मेंडेलियन क्रॉस का मतलब क्या है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वो वाला, तो वहां पे आप बताएंगे मेंडेलियन क्रॉस, और वो क्रॉस बताने के बाद जो बेटसन एंड पुनेट स्क्वायर है वो ड्रॉ करके बताएंगे, फिर आप उसके बाद उसका रिजल्ट बताएंगे, रिजल्ट का क्या होगा रेशियो, रिजल्ट में आप जो रेशियो आया है वो बताएंगे, और उसके बाद फिर आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिजल्ट क्यों आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा अगर आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आता है इस हिसाब से। उसी तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस का आ जाएगा अगर आपसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछ लिया जाए या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछ लिया जाए, उन दोनों केसेस में आपको डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है। इन केस आपका एग्जामिनर आपका देखना चाहता हो कि आप कितने ज्यादा इनोवेटिव हैं, आप कितना सोच सकते हैं, तो वहां पे वो आपको केस स्टडी देगा, ठीक है। अब केस स्टडी किस तरह से देगा, चलिए एक केस स्टडी हम खुद से बना लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दे दी गई है दैट अ प्लांट विद फ्लावर्स ऑफ वाइट कलर is crossed with heterozygous plant having red flowers. What is the genotypic ratio? ठीक है, क्वेश्चन हमें दे दिया गया है ये। अब क्वेश्चन पढ़ने पे जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे हम एक बार तो डर जाएंगे, अच्छा सिर्फ व्हाइट फ्लावर लिख दिया, ये तो बताया ही नहीं डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव कौन सा, ना ये बताया ये हेटरोजाइगस है या होमोजाइगस है, यहीं से क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आगे पढ़ना है। इसके बाद आगे लिखा है इज क्रॉस्ड विद हेटरोजाइगस, अब यहाँ पे बता दिया कि हेटरोजाइगस है और प्लांट कैसा फ्लावर कैसा है रेड, तो अपने आप से हमें पता लग जाएगा जब हेटरोजाइगस कंडीशन आ रही है तो हेटरोजाइगस का मतलब क्या होता है कैपिटल आर और स्मॉल आर, यस और नो, और जो हेटरोजाइगस कंडीशन में हमारा जो फ्लावर है वो किस कलर का आ रहा है रेड, ये वाला होता है रेड, ठीक है ये फ्लावर आ गया हमारा रेड, ठीक है रेडी कर देती हूँ, चलो इसे ये हमारा फ्लावर है रेड, ठीक है। इस रेड को किसके साथ क्रॉस किया गया है वाइट फ्लावर के साथ, इसका मतलब वो फ्लावर कैसा है रिसेसिव कैरेक्टर्स वाला है, अपने आप से हो गया ना क्वेश्चन से ही रिवील हो गया कि वो जो वाइट कलर है वो रिसेसिव है, तो यहीं से हम अपना वाइट फ्लावर बना लेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल आर वाला है, ठीक है गेमीट्स बनाएंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर दो तरह के गैमीट्स बन जाएंगे ना ये हमारे, चलो इस तरह से लाइन वाला क्रॉस करने की बजाय पुनेट का स्क्वायर बना लेते हैं, बहुत आसान है छोटी सी जगह में आ जाएगा साफ साफ सुंदर सुंदर दिखता है, तो जो ये रिसेसिव वाले इधर लिख दिए हैं और दूसरे वाले यहाँ पे, ठीक है करते हैं कंबाइन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। मैंने आपसे पूछी है व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो,
जीनोटाइप का रेशियो बताना है। तो जीनोटाइप देखते हैं, हेटरोजाइगस वन, हेटरोजाइगस वन, तो हेटरोजाइगस कितने हो गए, टू। यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव वन, होमोजाइगस रिसेसिव टू, तो यहाँ कितने हो गए, टू। रेशियो क्या आएगा, टू इज टू टू, पर टू इज टू टू क्या, दो से दो कट जाएगा, वन इज टू वन इज द रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, अगर आपको सिचुएशन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो इस तरह से सॉल्व करने हैं। और बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको इस क्वेश्चन जो है ये पाँच नंबर का आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको हार्डली एक या मैक्सिमम एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ही दयावान हो गया तो वो दो नंबर का दे देगा, वरना ऐसे क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर जस्ट वन मार्क, ठीक है। तो इसी तरह के आपको सिचुएशन वो बना के दे देगा और उसमें से चार या पांच क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आपको वो पांच नंबर दे दे। अगर आपको ये मेंडेलियन क्रॉस समझ में आ रहा है, क्रॉस बनाने आ रहे हैं, तो आपके पांच नंबर ऑलमोस्ट फ्री के होते हैं, ठीक है। वो भी किस तरह से, एक क्वेश्चन हो गया जीनोटाइप रेशियो का। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लांट्स विद रेड फ्लावर, कितने आएंगे, टू, हो गया सेकेंड क्वेश्चन। इसी में से पूछ लिया जाए व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो, अभी तो जीनोटाइप बोला था, फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा, रेड और वाइट, दो रेड दो वाइट, वन इज टू वन अगेन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए इफ द रेड प्लांट विद रेड फ्लावर वुड हैव बीन होमोजाइगस प्लांट, कि अगर जो लाल फूल वाला फ्लावर है, पौधा है, वो होमोजाइगस होता तो क्या होता, मतलब वो डोमिनेंट हो जाता रेड वाला। अगर वो डोमिनेंट होता तो अपने आप से केस कर लो, यहाँ पे क्या है, आर हो जाता अपने आप से, ये वाला आर हो जाता, तो सारे के सारे पौधे हमारे क्या होते, रेड आ जाते, ये कंडीशन हो गई, यस और नो। उसी तरह से आपको दे दिया जाए कि वाइट वाला जो है वो इसकी जगह पे क्या है, नहीं, या आपसे पूछ लिया जाए, हमें यहाँ पे बस ये बता दिया कि देयर वॉज अ वाइट, चलो छोड़ते वो टेस्ट क्रॉस में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चार क्वेश्चंस आपको बता दिए गए, उसके बाद आपसे पूछा गया है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द वाइट फ्लावर, एक क्वेश्चन आपके पास ये बन गया, क्या है वाइट फ्लावर का जीनोटाइप, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये हो गया आपके पास एक क्वेश्चन, ये सुनो। फिर पूछ ले व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट रेड फ्लावर, क्या है, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो एक ही क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन है बट हमने कितने क्वेश्चन किए, पांच क्वेश्चंस कर लिए। उसी तरह से क्या है, इसी तरह के बहुत सारे केसेस जो है एग्जामिनर आपके लिए बना सकता है। ये तो हो गया मोनोहाइब्रिड का, अगर एग्जामिनर ने सेम क्वेश्चन इसी तरह से डाईहाइब्रिड का बना दिया और आपको, आपसे वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा प्लांट क्या था, क्या उसका रेशियो आ रहा है, कौन से क्या उसको, कितने प्लांट्स उस फिनोटाइप के आ रहे हैं, कितने प्लांट्स उस जीनोटाइप के आ रहे हैं। तो बेसिकली सारे क्वेश्चंस इन दो क्रॉस के ऊपर ही घूम रहे होंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। सो दिस वॉज द थ्री लॉज ऑफ मेंडल, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड असॉर्टमेंट, जिनमें से दो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है और असॉर्टमेंट वाला जो है वो एप्लीकेबल है। रेशियो आ रहे हैं, मोनोहाइब्रिड में आता है 3:1 का और डाईहाइब्रिड में आता है 9:3:3:1। ये रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड वाले तो चलो ठीक है, वो भी मोनोहाइब्रिड वाला 3:1 कब आ रहा है, F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में 1:1:1:1 या सारे सेम आएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है 9:3:3:1 का रेशियो है डाईहाइब्रिड क्रॉस में, ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी चेंज होता है, को डोमिनेंस जब आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केसेस जब आ जाते हैं, लिंकेज के केस जब आ जाते हैं, तो ये रेशियो हमारा चेंज हो जाता है। बट अगर हम बात करते हैं कब, जब सिंपल केसेस की हम बात करें कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो डोमिनेंट और रिसेसिव हैं उसके अलील्स, और क्रोमोसोम्स दूर दूर हैं और अलील्स जो हैं वो दूर दूर प्रेजेंट हैं, सिंपल सिचुएशन जब है, तो उसमें 9:3:3:1 आ जाएगा। आई होप एवरीवन हैज गॉट द कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू एवरीवन।